नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिस रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग आपका कौन सा एग्ज़ाम ट्रेड, क्योंकि देखो ये वाइटल है। हम लोग जानते हैं बेसिकली एग्ज़ाम जो एलपी का है, देखो सीवीटी वन ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग जो है एनालिसिस करके आपको बता भी चुके हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो रहा है। तो आप देख लो उसी रेंज में अगर आप या थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है तो आप ज़रूर प्रिपरेशन करते रहिए। तो प्रिपरेशन करने से पहले आपको सोचना जो पैटर्न है एग्जैक्ट वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, सीबीटी वन जो है क्वालिफाइंग है, सीबीटी टू में क्या है, सीबीटी टू में आप देखोगे तो उसमें दो पार्ट है, क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है आपका, उसके बाद आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग है। देखो मैथ्स, रीजनिंग एंड करेंट अफेयर्स जो है वो तो सेम है, साइंस भी ठीक है, लेकिन उसके साथ इंजीनियरिंग जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके डिटेल सिलेबस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स प्रेफर करना है वो बता दूंगा। और इस वीडियो में देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो है आपका क्या आपको ट्रेड है, क्या है नहीं है वो आप देख लीजिए। तो देखो सीबीटी टू जो होगा उसमें आपकी पार्ट ए जो है वो मेरिट बनेगी, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में ही आपको जो है एक ट्रेड चूज़ करना है। तो उसी को लेकर बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन है, क्या करें सर नहीं करें। तो पार्ट बी में जो ट्रेड आप चूज़ करोगे वो आप समझ लो क्या ट्रेड आपको चूज़ करना है और क्या नहीं करना है, उसका सिलेबस भी क्या है हम लोग बात करेंगे, कहाँ से आपको बुक्स जो है पढ़ना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। देखो उसमें हेडेक वाली बात नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत अच्छे से उसको पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली आप करो और आपका चूज़ कर सकते हो। जैसे आपने ऑटोमोबाइल चूज़ किया या आपने मैकेनिकल चूज़ किया या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल चूज़ किया और अभी मैथ्स एंड ये भी चूज़ कर सकते हो, तो वो अगर चूज़ करो तो उसके रिलेवेंट जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब क्या आएंगे, तो क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है थोड़ा सा टफ है बोलना, सिलेबस भी बहुत ही अलग है, आपको कौन से बुक्स करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो इससे पहले अगर हम लोग देखें तो इससे पहले जो है फिजिक्स एंड मैथ्स जिनका था उनका कोई ऑप्शन नहीं था। आरआरबी जो है इसे ये क्यों चेंजेस किया गया, देखो फिर से ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे बच्चे जो है सभी मतलब किसी का फिजिक्स मैथ्स है क्लास टेन ट्वेल्व में, ट्वेल्व में फिर उनका डिप्लोमा है, बीटेक है, तो बहुत सारे डिग्रीज लेके बैठे हुए थे क्वालिफिकेशन और सभी भर दिए थे। तो लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, आपको एक ही आरआरबी हैव ऑल्सो रिसीव रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है और डिग्री हैव सेलेक्टेड मोर देन वन एग्जाम ट्रेड। अब उन्होंने क्या है, बहुत सारे एग्जाम ट्रेड ले लिए, भैया आपको तो एक एग्ज़ाम देना है, मतलब क्वेश्चन पेपर तो आपको एक ही देना है, आप मैकेनिकल का दो या इलेक्ट्रिकल का दो, कोई भी एक दो, उसके बाद आप जो एलिजिबल है उसके लिए है आपको मिलेगा। तो आपको एक एग्ज़ाम, तो बहुत सारे बच्चे क्या कि मल्टीपल एग्ज़ाम, तो एक ही साथ उतना नहीं हो सकता है ना। और क्या बात था, देखो ये जो आरआरबी ने यूजुअली पहले बोला था आपका ये देगा कब, जब आपकी कट ऑफ आएगी, लेकिन आरआरबी ने देखा क्या भैया बहुत सारे हैं रिप्रेजेंटेशन आ रहे, तो उन्होंने सोचा टाइम को जो है बचाया जाए और अभी ये प्रोसेस को कर लेते हैं और जब तक जो है आपका आंसर की आएगा जो है रिजल्ट आएगा तब तक इनके पास सब डेटा हो जाएगा, तो उसीलिए दिया गया। तो उसीलिए एकदम देखो एकदम क्लियर कट आरबी ने एकदम क्लियरली बोल दिया गया क्या व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस, ठीक है। अब सभी को इसको भरना है, अब भरोगे क्या, तो देखो भरोगे क्या इसमें, अभी मैथ्स एंड फिजिक्स जो है इसके लिए आरबी डिसाइड टू मेक अवेलेबल मैथ्स एंड फिजिक्स एज एन एग्जाम ट्रेड, मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब बात बताए देखो मैथ्स एंड फिजिक्स क्या लेवल में आएगा, क्या पढ़ोगे, तो सिंपली क्लास ट्वेल्थ लेवल का, आप ट्वेल्थ लेवल का जो मैथ्स एंड फिजिक्स है उसको अगर पूछोगे, वास्ट है, टफ होगा, लेकिन अगर आप देखो बेसिकली आप नया एक आप सपोज़ इलेक्ट्रिकल पढ़ने जाओगे या मैकेनिकल पढ़ने जाओगे या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जाओगे उससे बेटर है तो भैया आप जो है मैथ्स एंड फिजिक्स ले लो, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन है जो बेसिकली क्योंकि नया ट्रेड पढ़ने से जो आपका पढ़ा हुआ है उसको आप इजीली ग्रैप्स कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है पीसीएम के लिए जो भी पीसीएम कैंडिडेट है तो मेरा सजेशन है आप डेफिनेटली जो है मैथ्स एंड फिजिक्स लो, ठीक है, क्योंकि देखो वो आपका पढ़ा हुआ है, आपने क्लास ट्वेल्थ लेवल तक पढ़ा हुआ था और फिर आपको नया सपोज़ आप मैकेनिकल लोगे या इलेक्ट्रिकल लोगे या इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे कुछ भी लोगे यार, तो आपको बहुत ही दिक्कत करना पड़ेगा क्योंकि उसका लेवल भी जो है आपको डिप्लोमा लेवल का जो है आईटीआई या डिप्लोमा लेवल का जो है क्वेश्चंस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है आप ये ले लो। और बाकी देखो जो दूसरे बच्चे हैं उनको उनके लिए देखो सिलेबस हम लोग देख ले। तो देखो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन जो भी है उनका ये दिशा, मतलब जिसका मैकेनिक वायरमैन वाइंडर या कंडीशन है वो दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन चूज़ करेगा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब देखो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो ऑटोमोबाइल हो,
तो मेरा एक ही सजेशन है, देखो आप तो ये स्ट्रीम में आते हो, तो मेरा वही सजेशन है, देखो आपका सब्जेक्ट वही चूज़ करो जो आप होल्ड में हो। आपने सपोज़ आप बेसिकली हो ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग का, आपने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन भैया आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप पढ़ोगे कैसे? लेकिन एटलीस्ट आप अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और किसका क्या करना है, जैसे मैंने बोला जिनका PCM है, मतलब जो क्लास 10 प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स है, वो 12th लेवल की पढ़ाई करो, और बाकी जो भी हो, ठीक है, जितने भी हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल जो है, वो आप ITI एंड डिप्लोमा की जो सिलेबस है, आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, और आप देखोगे डिप्लोमा की बेसिकली जो मटेरियल्स है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अच्छा पढ़ो, भले ही ये क्वालिफाइंग हो लेकिन आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस किस से लेवल के आएंगे, कैसे आएंगे, ये आपको बोलना बहुत टफ हो जाएगा, और उस टाइम अगर आप पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पाओगे तो आप जो है क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे से इसको भी अभी से स्टार्ट कर दो, ये नहीं ये कट ऑफ क्लियर हो भाई, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद पढ़ाई करो, ये मत करना, आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।